दोस्तों, हमारे देश में वापस आने वाला है विदेशों में पड़ा हुआ भारत का अरबों खरबों का सोना। इस वक्त सारे के सारे मीडिया हाउसेस इन खबरों को कवर करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत का कितना परसेंट सोना विदेशों में पड़ा हुआ है और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि भारत के पास उसका सारा सोना वापस आ रहा है। दोस्तों, वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी हुई ये खबर काफी दिलचस्प होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के ज्यादातर देशों का सोना उनके देश में वापस पहुंचेगा, जिस वजह से यूके इस वक्त भारी तंगी का सामना कर रहा है। अभी तक दुनिया भर के जमा किए हुए सोने से वह खूब कमाई कर रहा था, लेकिन रातों रात यूके बैंक खाली होने लगे और इन सब की वजह है रशिया यूक्रेन वॉर। दोस्तों, कुछ वक्त पहले इन्वेस्को ने एक सर्वे किया था। इन्वेस्को एक ऐसा ब्रांच है जो कि सॉवरेन वेल्थ फंड्स और दुनिया के सभी सेंट्रल बैंक्स का सर्वे करता है। इनके सर्वे के अकॉर्डिंग ज्यादातर देशों के सेंट्रल बैंक अपने सब्सटेंशियल शेयर्स ब्रिटेन से वापस अपने देश मंगा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन ने एक ऐसा प्रेसिडेंशियल डिसीजन ले लिया है जिससे पूरी दुनिया में पैनिक क्रिएट हो चुका है। दोस्तों, ये सारा का सारा मसला जुड़ा हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर से। रूस ने ब्रिटेन के बैंक में अपने लगभग 640 बिलियन डॉलर के गोल्ड और फॉरेक्स रिजर्व जमा कराए हुए थे और जिस तरह से रूस यूक्रेन के बीच पिछले दो साल से लड़ाई छिड़ी हुई है, इसी के चलते हाल ही में ब्रिटेन के गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है कि रूस के जमा किए हुए सारे के सारे गोल्ड और फॉरेक्स रिजर्व का 50% फ्रीज कर दिया जाएगा, जो कि लगभग 320 बिलियन डॉलर के आसपास है। ब्रिटेन ने जैसे ही अपना ये फैसला पब्लिकली रिलीज किया, ज्यादातर देशों में हड़कंप मच गया। दोस्तों, लगभग 60% से ज्यादा देशों का ये मानना है कि आज की डेट में गोल्ड सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का तरीका है। लेकिन साल 2020 में जहां हर देश के अपने गोल्ड का 50% उनके देशों के बैंक में जमा हुआ करता था, वहीं इस साल ये परसेंटेज बढ़कर 68% हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर देशों का मानना है कि उनके गोल्ड रिजर्व ब्रिटेन में है, लेकिन जिस तरह से ब्रिटेन और वेस्टर्न नेशन अपनी मनमानी कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें अपने रिजर्व्स और एसेट को वेस्टर्न नेशनों के किसी भी देश के सेंट्रल बैंक में रखना अब सेफ नहीं लग रहा। वहीं रूस के रिजर्व्स को फ्रीज करके बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। पिछले एक साल के अंदर अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी टोटल गोल्ड होल्डिंग में से 12% लूज कर दिया और लगातार ये परसेंटेज नीचे ही गिर रहा है। वहीं पर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द अमेरिका का दबदबा और पूरे के पूरे वेस्टर्न नेशन का दबदबा दुनिया भर से खत्म हो जाएगा और इसके चलते जो दूसरी इकोनॉमी दुनिया में ऊंची उठेगी और सुपर पावर की गद्दी पर राज करेगी वह है चाइना। ऐसा इसलिए क्योंकि अब जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स काफी ज्यादा बदल रहे हैं। ज्यादातर देशों का यह मानना है कि डॉलर का सबसे बड़ा कंटेंडर चाइनीज युआन है। पिछले साल एक सर्वे के अकॉर्डिंग यूएस डॉलर के कंपैरिजन में चाइनीज युआन 29% ऊंचा उठा है। हालांकि अभी भी अमेरिकी डॉलर के कंपैरिजन में यह कम है, लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड सिनेरियो इस वक्त बदल रहे हैं, ऐसे में ज्यादातर देशों का झुकाव चाइनीज युआन की तरफ बढ़ रहा है। वहीं पर इन सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर हम भारतीय रिजर्व बैंक में जमा किए गए गोल्ड रिजर्व की बात करें तो साल 2022 और 23 में ये 4.5% बढ़े हैं। 794.64 टन गोल्ड रिजर्व इस वक्त भारत के पास मौजूद है, जिसमें से 437.22 मैट्रिक टन भारत का सोना ओवरसीज बैंक में यानी कि विदेशों के सेंट्रल बैंक में पड़ा हुआ है। सिर्फ 301.10 मैट्रिक टन सोना ही इस वक्त भारत डोमेस्टिकली ऑन कर रहा है, जो कि उसके टोटल परसेंटेज का सिर्फ 38% है। इतना ही नहीं, भारत के टोटल फॉरेक्स रिजर्व का 7-8% भी गोल्ड फॉर्म में ही है। भारत ने अपना ज्यादातर सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा कराया हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंग्लैंड में स्पेशल सिस्टम चलाया जाता है जिसका नाम है लंदन मेटल एक्सचेंज। गोल्ड अकाउंट होल्ड करने वाला मेंबर गोल्ड रिजर्व को बड़े ही कम कॉस्ट के अंदर बाय और सेल कर सकते हैं। आरबीआई का भी गोल्ड अकाउंट बैंक ऑफ इंग्लैंड में मौजूद है। ऐसे में अगर फ्यूचर में कभी भी आरबीआई अपनी गोल्ड होल्डिंग को बढ़ाना चाहे तो उसे बैंक ऑफ इंग्लैंड को सिर्फ खबर देनी होती है और सारा का सारा काम उनके बिहाफ में बैंक ऑफ इंग्लैंड खुद करेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत को भी बाकी देशों की तरह सारा का सारा गोल्ड रिजर्व दूसरे देशों से अपने देश में वापस मंगा लेना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि वर्ल्ड सिनेरियो को देखा जाए तो अब भारत के लिए ये काफी जरूरी हो चुका है कि वह अपने गोल्ड को खुद से ही होल्ड करने की क्षमता को बढ़ा दे और इतना ही नहीं बल्कि अपने ब्रिक्स नेशन के साथ एक अलग से मेटल एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करे ताकि किसी भी तरीके से भारत को वेस्टर्न नेशन पर निर्भर ना रहना पड़े। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है कि क्या भारत को भी ब्रिटेन से अपने गोल्ड को वापस लेना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।